विष्णु भगवान की कुछ लीलाओं का वर्णन करेंगे। विष्णु भगवान को इस सृष्टि का पालनहार कहा जाता है। भक्तों, श्री हरि विष्णु जी ने अनेकों अनेक अवतारों में आकर धरती पर धर्म की स्थापना की है भक्तों, और दुष्टों का संहार किया है। वहीं श्री हरि विष्णु जी ने अपने भक्तों पर भी समय समय पर बड़ी ही कृपा की है भक्तों। जो भी भक्त श्री विष्णु भगवान का सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं, भगवान उनकी सहायता अवश्य ही करते हैं। तो आइए सुनते हैं श्री विष्णु भगवान की लीलाओं का वर्णन। चरणों में हम करके वंदन करते हैं हम महिमा वर्णन, हरे इस जग के पालन हारे सदा है रखवारे। जब जब धरा पे पाप बढ़ा है आपने तब अवतार लिया है, धरा से पाप का भार उतारा जनों को है संहारा। रूप चतुर्भुज की हो दर्शन तब तो सफल हो जाए जीवन, शंख चक्र और गदा पद्म लिए दर्शन आपने दे दिए। सब जीवों के पालन करता ऋषि मुनियों के हो दुख हरता, अनेकों इनकी है लीलाएं इनमें से कुछ आज सुनाए। भक्तों, भगवान श्री हरि ने अनेकों बार अपने भक्तों पर कृपा की है। विष्णु पुराण में तो इनकी अनंत लीलाओं का वर्णन भी है। समय समय पर श्री हरि विष्णु किसी ना किसी रूप में आकर अपने भक्तों की सहायता करते हैं। श्री हरि विष्णु जी को जो सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं, विष्णु जी हमेशा ही उनका साथ निभाते हैं भक्तों, और उनका कठिन से कठिन काम भी बड़ी ही आसानी से हो जाता है। ऐसी ही कुछ कथाओं का वर्णन हम करने जा रहे हैं भक्तों। विष्णु जी का एक भक्त था, नाम तो जिसका देवव्रत था। विष्णु जी का नाम सुमिर था, छल और कपट कभी ना करता। और कुछ जाति का वो ब्राह्मण, ग्राम के वासी इसके कारण देवव्रत को बड़ा मानते। पंडिताई धन दौलत जो घर में आई, पास ना अपने रखना चाहता। गरीबों में बटवाता, पत्नी उससे कहने लगती थोड़ा धन चाहिए हमको भी, जितना आप कमा कर लाते। सभी गरीबों में बटवाते। भक्तों, देवव्रत ब्राह्मण को किसी भी तरह का लोभ लालच नहीं था। पंडिताई करके उसे जो दान और दक्षिणा मिलती उसमें से पेट गुजारे लायक रखकर सब गरीबों में बांटता था। किंतु उसकी पत्नी उसे हमेशा समझाती, हे स्वामी, आप अपना कमाया हुआ धन भी गरीबों में बांट देते हो, हम भी इतने अमीर नहीं हैं, अतः थोड़ा धन अपने पास भी अवश्य रखना चाहिए। किंतु देवव्रत सच्चा विष्णु भक्त था भक्तों। वो जानता था ये धन माया तो काम क्रोध की जननी है, अतः देवव्रत पत्नी की बातों पर ज्यादा ध्यान ना देता। ऐसा करते करते उसे वर्षों बीत गए। ग्रामवासी उसका बहुत ही आदर करते थे भक्तों, और गरीब उसे अपना भगवान मानने लगे। किंतु देवव्रत सभी के साथ विनम्रता से पेश आता। पत्नी की बातें ना माने देवव्रत तो इतना जाने, जो होगा अच्छा ही होगा, लालच करके क्या फायदा। धन तो आता और जाता है, पेट हमारा भर जाता है। पत्नी ने जो बात कही है उचित नहीं है। पत्नी बार बार उसको टोके, दान करे तो उसको रोके। देवव्रत पर बाजा ना आया, बात को लेकर कलह हो गई थी उनके घर। पत्नी से नाराज हुआ है और वो घर से निकल गया है। भक्तों, इस तरह पत्नी की कलह से तंग आकर देवव्रत घर से निकल गया।
उसने सोचा, मैं कहीं दूर वन में जाकर अपनी तपस्या में लीन हो जाऊंगा। देवव्रत ने अपनी पोटली में कुछ वस्त्र लिए और वो दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। भक्तों, एक नदी के किनारे पहुँचते पहुँचते उसको शाम हो गई। एक वृक्ष के नीचे देवव्रत विश्राम करने लगा और उसे गहरी निद्रा आ गई। उसी रात एक चोर चोरी करके उसी वृक्ष के नीचे आकर अपने चोरी किए हुए धन को देख रहा था, जिनमें कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी थी। अचानक वहां पर एक काला सर्प आ गया भक्तों और चोर को डस लिया। चोर के प्राण पखेरु वहीं उड़ गए। उस चोर के मृत शरीर को कोई जंगली जानवर खींच कर ले गया और वो धन की पोटली वहीं रह गई। देवव्रत जब सुबह उठा है, बहुत सघन उसे पड़ा मिला है। सोच रहा है वो मन ही मन, आखिर किसका है इतना धन। इतने में कुछ सैनिक आए, धन की पोटली पड़ी वहाँ पाए। पास में देवव्रत भी बैठा, पेश किया है कारागार राजा ने दे दी। देवव्रत की ना की गलती, मन ही मन वो लगा सोचने, चोरी भी नहीं की है मैंने, चोरी की सजा फिर भी पाई। ऐसी घड़ियां दुख की आई। भक्तों, इस प्रकार देवव्रत ने जो अपराध नहीं किया था उसका भी दंड भुगतने लगा। किंतु देवव्रत सच्चा विष्णु भक्त था। भक्तों, उसे भगवान विष्णु पर पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन राजा सच्चाई जान लेंगे। कारागार में रहते हुए भी उसने विष्णु भक्ति को नहीं छोड़ा। उधर देवव्रत की पत्नी पति विरह में परेशान हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि मैंने बेवजह ही अपने स्वामी को परेशान किया। इधर देवव्रत के दिन कारागार में गुजरने लगे। मुश्किल की घड़ी में भी देवव्रत ने विष्णु भक्ति को नहीं छोड़ा। आखिर विष्णु भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए भक्तों, और उन्होंने सपने में आकर उस राजा को दर्शन दिए जिसने देवव्रत को कारागार में डाला था। विष्णु भगवान राजा से कहने लगे, कारागार में जो तेरे पड़ा है वो तो सच्चा भक्त मेरा है। चोरी करके जो है ले गया, उसको डस लिया। वन में उसका शौहर पड़ा हुआ, मर गया वो जो असली चोर है। देवव्रत की जो पत्नी है, खोजते खोजते वो आ गई है। कारागार में जहाँ पति है, देख हुई वो बड़ी दुखी है। जो राजा को सपना आया, उठे सुबह तो सच ही पाया। वन में शौ से चोर का पाया, जो राजा ने ढूंढवाया। भक्तों, इस प्रकार राजा ने क्षमा याचना करके देवव्रत को कारागार से मुक्त कर दिया और उसे बदले में बहुत सा धन दिया। किंतु देवव्रत तो बहुत ही साधारण ब्राह्मण था। उसने राजा से विनती की कि हे राजन, ये धन मेरे किसी काम का नहीं। फिर उसने अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा कि हे महाराज, यदि आपकी इच्छा है तो मेरी पत्नी के लिए थोड़े से गहने दे दीजिए। इतना सुनकर देवव्रत की पत्नी कहने लगी, नहीं स्वामी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे गहने तो आप हो, आपके बिना मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया था। उस दिन के बाद से उसकी पत्नी भी विष्णु भक्त बन गई और उसने कभी भी लालच नहीं किया। जो भी इनका ध्यान लगाते, भक्तों की पीड़ा को मिटाते, बड़ा उत्तम पूजा का फल है, सारे काम सफल है। भक्तों पर कृपा बरसाई, अनेक ही है इनके गाथाएं। एक कथा हम और सुनाए, हरि का ध्यान लगाए। चंद्रसेन नामक एक राजा, विष्णु जी का बड़ा भक्त था। श्री हरि विष्णु का नाम सुमिरता, एकादशी व्रत भी करता। चंद्रसेन है बड़ा प्रतापी, चारों ओर उसकी चर्चा थी। प्रजा के वासी
राजा चंद्रसेन बड़े ही प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में कोई भी प्रजावासी दुखी नहीं था। देवताओं की भी उन पर बड़ी ही कृपा थी। कभी भी उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ा। समय पर वर्षा होती और खूब अनाज होता। किसान, व्यापारी, शूद्र आदि सभी अपने अपने परिवार का पालन पोषण बखूबी कर रहे थे। भक्तों, राजा चंद्रसेन समय समय पर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए वेश बदल कर स्वयं ही जाते थे और अपनी प्रजा का हाल जानते थे। चंद्रसेन बड़े कुशल है राजा, अति प्रसन्न थी सारी ही प्रजा। समय समय पर वेश बदल कर प्रजा का हाल जान कर, ताकि कोई पहचान न पाए, सुख दुख अपने खुल के बताए। साधारण वो वेश बनाते कुशलता पूर्वक करते काम है। श्री हरि का लेते नाम है, नगर वासियों की सुख सुविधा राजा का ये ही भक्त सदका। एक बार वो वेश बदल कर अपने ही घोड़े पर चढ़ कर चले प्रजा का हाल जानने। किंतु भटक गए हैं वन में। भक्तों, एक दिन राजा चंद्रसेन प्रजा का हाल जानने के लिए वेश बदलकर अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। घूमते घूमते उन्हें सारा दिन निकल गया। उसकी प्रजा में कुछ वनवासी लोग भी रहते थे। राजा ने सोचा कि क्यों ना जाकर वनवासी प्रजावासियों का भी हाल जान लूं। प्रजा का हाल जानकर राजा वन में भटक गए। भटकते भटकते राजा का सामना डाकुओं से हो गया। डाकू बहुत अधिक संख्या में थे। उन्होंने राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा वहीं अचेत होकर गिर पड़े। राजा को होश आया तो देखा कि राजा का घोड़ा वहीं खड़ा है और सभी डाकू मूर्छित पड़े हुए हैं। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम विष्णु भक्त हो, भला ये डाकू तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते थे। राजन उसी क्षण भगवान विष्णु को प्रणाम किए और वापस अपने राज्य में आ गए। जिसके स्वयं विष्णु जी रक्षक, कौन भला बन सकता भक्षक। भक्तों का करते उद्धार है, चंद्रसेन की जो रक्षा की, करते हैं वैसे ही सबकी। सच्ची होनी चाहिए भक्ति, निर्मल को भी देते शक्ति। सच्ची जो मन में हो भावना, पूरी होती सभी कामना। अनेको ही है और कथाएं, जब रक्षक ये बन कर आए। मानव हो या चाहे देवता, जो भी इनकी शरण जी। हर युग में कोई ना कोई अवतार लेकर आते हैं। श्री हरि के 10 अवतारों का वर्णन भी मिलता है। चाहे मानव हो चाहे देवता हो, विष्णु जी ने समय समय पर अपने भक्तों की रक्षा की है। कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी नरसिंह बनकर, तो कभी मत्स्य बनकर, कभी वराह, कभी कच्छप, कभी वामन और परशुराम जैसे कितने ही अवतार लिए। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप तो बड़ा ही प्रसिद्ध है। भक्तों, सागर मंथन के समय जब अमृत निकल कर आया तो मोहिनी रूप बनाकर ही भगवान विष्णु ने देवताओं को सारा अमृत पान करा दिया था। भक्तों, उसी मोहिनी रूप से भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की रक्षा की थी। भक्तों, भोलेनाथ तो अपने भक्तों को बिना सोचे समझे ही वर दे देते हैं। तो आइए सुनते हैं। भोलेनाथ वरदानी ऐसे, बिन सोचे समझे वर देते। एक दान हुआ था बस मासुर, भोलेनाथ ने दे दिया है वर। जिसके सिर वो हाथ घुमाए, भस्म वहीं पर वो हो जाए। भोले से वरदान है पाया, भोली को करना चाहा। भोले कैसे प्राण बचाए, विष्णु जी की शरण में आई। अपना मोहिनी रूप बनाया,
विष्णु के तो रूप ही निराले हैं, वो अपने भक्तों की रक्षा तो करते ही हैं, स्वयं देवताओं पर भी जब विपत्ति आती है तो देवता भी इनकी शरण में आते हैं। कहानी बड़ी प्रचलित है, जब भोलेनाथ ने भस्मासुर को वरदान दे दिया था कि वो जिसके सिर पर हाथ धरेगा वो ही भस्म हो जाएगा। वरदान पाकर भस्मासुर ने सबसे पहले भोलेनाथ को ही भस्म करना चाहा। भोलेनाथ कहाँ जानते थे, किंतु वरदान दे चुके थे। अब भस्मासुर से जान बचाकर भागने के सिवा कोई चारा ना था, अतः भोलेनाथ भस्मासुर से बचते बचते विष्णु जी की शरण में आ जाते हैं। विष्णु जी अपना मोहिनी रूप बनाते हैं और भस्मासुर को कहते हैं कि क्यों उस फकीर के पीछे पड़े हो, आओ हम गंधर्व विवाह कर लेते हैं और मिलन की खुशी में नाचते गाते हैं। भस्मासुर कहने लगा, भक्तों मुझे नृत्य करना नहीं आता। तब मोहिनी रूप में विष्णु बोले, जिस मुद्रा में मैं नृत्य करती जाती हूँ तुम मेरा अनुसरण करते जाना। विष्णु जी ने बड़ी ही चतुराई से अपने सिर के ऊपर हाथ धर दिया, जो ही भस्मासुर ने अनुसरण किया वो भस्म ही हो गया। भक्तों रूप मोहिनी जो न बनाते, भोलेनाथ कैसे बच पाते। विष्णु जी ने रक्षा की है, भस्मासुर की भस्म वही है। ऐसी कहानी कई हजार है, जब भक्तों का किया उद्धार है। भक्त वत्सल है श्री विष्णु जी, इनकी महिमा अपरंपार है। जितने करेंगे महिमा वर्णन भक्तों के लिए उतना ही कम हो सके, जितना ध्यान लगाइए जीवन सफल बनाइए। जब जब पाप का बढ़ता भार है विष्णु जी लेते अवतार है। दुष्टों का संहार है करते, तो भक्तों इस प्रकार से जब जब भक्तों पर कोई विपदा आन पड़ी है, भगवान ने हर रूप में आकर अपने भक्तों को बचाया है, उनकी रक्षा की है, उनका उद्धार किया है। तो आइए हम सभी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का ध्यान लगाते हैं। मेरे साथ मिलकर बोलते हैं, विष्णु भगवान की जय।